दोस्तों, अगर अपनी कब्ज को, पेट फूलने को, मोटापे को और जोड़ों के दर्द को और इसके साथ ना जाने कितनी गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो बस इस छोटी सी चीज का सेवन कर लें। ये छोटी सी चीज का नाम है इलायची, जो हर किसी के घर में अवेलेबल तो होती है लेकिन इसका सही इस्तेमाल हमें नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन मेरा आज का ये वीडियो आपकी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो सिर्फ हमारी बीमारी को दबाने की दवाई देते हैं, कभी भी जड़ से खत्म नहीं करते। लेकिन ये घरेलू छोटी सी चीज इलायची आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेगी, ये है मेरा वादा। अगर आपको इनमें से कोई समस्या हो रही है तो जैसे मैं बताऊंगी हर बीमारी में किस तरीके से लेना है, बस आप इसका इस्तेमाल उस बीमारी में उसी तरीके से फॉलो करें और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा इसका इफेक्टिव रिजल्ट मिला। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि छोटी सी इलायची के क्या क्या हैं फायदे। दोस्तों, अगर आपको भी बदहजमी, पेट फूलना, गैस जैसी सारी समस्याएं रहती हैं या आपको कब्ज की समस्या है तो हरी इलायची, साथ में खड़ा धनिया, लौंग, सूखी अदरक, इन सबको मिलाकर पीस लें और गर्म पानी के साथ एक चम्मच जरूर लें रात को सोने से आधा घंटा पहले। अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी एसिडिटी, बदहजमी, पेट फूलने ये सारी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी और धीरे धीरे इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। अगर आप लोग भी अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या आपको भी कोई इंटरनली प्रॉब्लम है या कमजोरी है तो आप दूध में इलायची डालकर उबालें। खूब अच्छे से उबाल जब आ जाए तो उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर रोजाना रात को सोने से पहले लें। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। सभी जानते हैं कि इलायची खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पेट खराब होने की वजह से हमारे मुंह में से बदबू आती है? हरी इलायची खाने से आपके पेट का हाजमा ठीक होता है, साथ ही इसमें मौजूद एक ताकतवर एंटीबैक्टीरियल रसायन आपके मुंह की बदबू को खत्म कर देता है। तो आज के बाद जब आपके मुंह से बदबू आए तो ये मत समझना कि आपकी नेचुरल प्रॉब्लम है, बल्कि आपके स्टमक हमेशा डिस्टर्ब रहता होगा, कभी आपको कब्ज या कभी लूज मोशन या पेट में एसिडिटी की समस्या होगी। तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमा के देखेगा कि खाना खाने के आधे घंटे बाद एक इलायची का दाना आप चबाएं, उससे आपकी तकलीफ धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यदि छाती में आपको जुकाम की वजह से जकड़न हो गई है, सांस लेना दूभर हो गया है तो इलायची के तेल की चंद बूंदे उबलते हुए पानी में डाल दें। इस पानी की भाप लें, 15 मिनट में ही आपकी छाती का सारा कंजेशन, आपका जुकाम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। हरी इलायची से फेफड़ों में रक्त संचार बहुत तेज गति से होता है, इससे सांस लेने की समस्या जैसे अस्थमा, तेज जुकाम, खांसी, सारे रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इलायची को गर्म तासीर माना गया है जो शरीर को अंदर से गर्म करती है और बलगम और सारे कफ को हमारे शरीर में से बाहर निकालने का काम करती है। और इसके लिए अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने नोटिस करा होगा आपकी नाक बह रही होगी या आपको रनिंग नोज जो भी उसको बोलते हैं वो समस्या होगी, तो वो आपको जब दवाई देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपकी मेंटालिटी ऐसा कहती है, लेकिन वो आपके कफ को आपके फेफड़ों में जमा देती है जो हर 2 महीने बाद दोबारा से उखड़ती है और आपको दोबारा से जुकाम होता है। तो बीमारी को खत्म ना करें बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकें। शरीर में रक्त की कमी के कारण पैदा हुए लक्षणों को कम करने के लिए इलायची बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इलायची पाउडर को हल्दी के साथ गर्म दूध में डालकर लेना चाहिए, चाहे तो मिश्री अथवा गुड़ के साथ भी लिया जा सकता है। गुड़ में अधिक मात्रा में लोहा होता है जो आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके लिए आपको इलायची पाउडर कैसे बनाना है, आप घर में इलायची के जो छिलके होते हैं उसको अलग करके इलायची के बीजों को मिक्सी में चलाकर या कूटकर उनका पाउडर बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। इलायची में मौजूद है एक महत्वपूर्ण धातु यानी तांबा, इसके अलावा इसमें लौह, आवश्यक विटामिन और साथ में विटामिन सी, नियासिन सी मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में लाल रक्त को पैदा करते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में कम हो जाएं तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इलायची एक ऐसा सस्ता स्रोत है जो आपके शरीर में खून को बढ़ा देता है। शरीर में विषैले
तत्वों को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो इलायची बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करती है। इलायची मैग्नीज नामक खनिज का भी एक बड़ा स्रोत है। मैग्नीज में ऐसे एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करके खा जाते हैं। इसमें विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकाल फेंकने की ताकत होती है, जिससे शरीर कैंसर जैसे बड़े रोगों से बहुत दूर रहता है। इलायची में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं। अगर आपके शरीर में भी पोटेशियम की या आपका स्टेमिना बहुत कमजोर है तो आपको इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के सारे विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और जितनी भी हमारे शरीर में कमी है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज की, उसकी सारी कमी को पूरा करके हमारे अंदर एक इंस्टेंट एनर्जी देती है। हमारे उन सारी चीजों की कमी को पूरा करके हमारी बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा देती है। तो आज से ही इसका सेवन जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिवर पे जो फैट जम गया है, मोटापा आता जा रहा है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, या आपके अंदर से सारी चीजों की कमी ना रहे, तो इसके लिए सुबह खाली पेट आप इलायची के 2 दाने पानी में उबालें और वो पानी सिप सिप करके चाय की तरह पिएं रोजाना खाली पेट। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके जो शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल था, फैटी लिवर था, बढ़ा हुआ वजन था, वो कैसे गायब हो गया, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो जरूर इसको फॉलो करें। अगर आपको भी डायबिटीज है तो इलायची का सेवन जरूर करें, क्योंकि इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारे शरीर में इंसुलिन को कम करते हैं, जिससे कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और जिनको नहीं है उनको फ्यूचर में डायबिटीज बिल्कुल नहीं होगी। इलायची का सेवन करने से पेट में अल्सर की समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इलायची के रोजाना सेवन से आपकी पाचन संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए इलायची का थोड़ा सा भी अर्क गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को कम कर देता है पूरा 50%। तो फ्यूचर में आपको कभी भी अल्सर जैसी समस्याएं नहीं होंगी अगर आप इस छोटी सी इलायची का सेवन करेंगी। अगर आपको भी एंजाइटी की समस्या है, जिसे कहते हैं बार बार थोड़ी देर बाद घबराहट होना, गर्मी में आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं या थोड़ा सा भी आपके माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है, टेंशन होती है, तो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, आपको अंदर घुटन महसूस होती है, घबराहट शुरू हो जाती है, तो ऐसे में एक दिन में 2 से 3 बार इलायची का सेवन जरूर करें, क्योंकि इलायची का एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपके ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य करता है और जिससे आपकी मूड स्विंग में आपको राहत मिलती है और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी एंजाइटी कैसे खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चला। तो इलायची जरूर अपनी जेब में कैरी करें। ये हर छोटी मुसीबत और हर छोटी अचानक से पड़ने वाली बीमारी में आपका बहुत बढ़िया साथ देगी। आपके शरीर के लिए ये रामबाण औषधि का काम करती है, तो इसको जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की समस्या है, आपके बॉडी में कहीं कहीं पैच बन जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, या आपकी बारिशों में उंगलियां जो होती हैं हाथ पैरों की गलने लगती हैं, फूलने लगती हैं, उसमें जख्म हो जाता है, तो ऐसे में इलायची का तेल जरूर अपनी उस जगह पर लगाकर मालिश करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। और साथ में इलायची वाले पानी का सुबह खाली पेट सेवन करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 इलायची के दाने पानी में उबालें और सुबह खाली पेट उसको पिएं, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको भी कोई यूरिन इन्फेक्शन है या आपको टॉयलेट जाते टाइम, आपको यूरिन पास करते टाइम वहां पे जलन हो, तो ऐसे में इलायची वाले पानी का सेवन करें सुबह, आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी टांगों में स्वेलिंग हो जाती है, नसें फूल जाती हैं, आपके बॉडी में सूजन है, तो सूजन को कम करने के लिए रात को 2 इलायची के दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसको उबाल कर पी लें, तो आप देखेंगे कि आपका गठिया, आपके जोड़ों की सूजन, आपके शरीर की सूजन कैसे गायब हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस, इस टिप को जरूर फॉलो करना और डेफिनेटली आपके साथ, आपकी किस बीमारी में इलायची ने साथ दिया जैसे मैंने आपको बताया था, वो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस आने वाले इस चैनल पर हजार लाखों लोगों की जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है। तो मैं आपकी सेहत का ध्यान हमेशा ऐसे रखूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, कुछ नया आप लोगों के लिए हमेशा लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।